हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आप सब घर पे होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। सो अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। सो आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर फॉल। सो हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। हालांकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लो वरना हेयर फॉल ज़्यादा होगा, बट अगर आपको थोड़ा सा भी हेयरफॉल स्टार्ट होता है तो आप सबसे पहला जो काम करते हो वो है स्ट्रेस लेना। सो आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट, एक ऐसे सोल्यूशन के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि 100% रिजल्ट देता है। मैं ये कभी भी वीडियो नहीं बनाती अगर मैंने इसे खुद यूज़ नहीं किया होता। आई हैव बीन यूजिंग दिस वन फॉर लाइक सो मेनी ईयर्स। आई थिंक आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस वन इन 2011 जब मुझे सीवियर हेयरफॉल की प्रॉब्लम हुई थी। नाउ दिस वन इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्सियल प्रोडक्ट, वाई आई टेल यू लेटर। जब मैंने स्टार्ट किया था इसे यूज़ करना एंड आई हैड गूगल्ड इट, तो आई फाउंड सो मेनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव लाइक मिक्सड रिव्यूज़ अबाउट दिस प्रोडक्ट। बट क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था, सो आई हैड टू यूज़ इट। एंड यूज़ करने के बाद आई वॉज सो हैप्पी विद द रिजल्ट। हालांकि मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि इसे रेगुलर यूज़ करना है, लाइक आई शुड स्टॉप यूजिंग दिस। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यू नो इसकी जो बोलते हैं ना आदत नहीं लगाना चाहती जो कि मुझे हमेशा यूज़ करना पड़े। अगर मैं उसे स्टॉप कर दूँ तो फिर वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए। मुझे ऐसे कोई भी प्रोडक्ट की आदत नहीं लगानी थी, सो आई डिसाइडेड नॉट टू यूज़ इट रेगुलरली। जब तक मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई आई यूज इट, एंड उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया। सो वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप नहीं चाहते कंटिन्यू करना तो इसको कैसे बीच में बंद कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल है। वो इसलिए है कि लोग इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के जाके खरीदते हैं, अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं और अपनी मर्जी से बंद भी करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। सो वो वहाँ पे आपकी स्कैल्प टेस्ट करेगा और उसके बाद वो आपको ये प्रोडक्ट रिकमेंड अगर करते हैं तो फिर आप इस प्रोडक्ट को कभी भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आप इस प्रोडक्ट को लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। सो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एनी न्यू हेयर ट्रीटमेंट और स्किन ट्रीटमेंट, प्लीज़ डू कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज यू शुडंट जस्ट, बिकॉज दीज आर लाइक मेडिकेटेड प्रोडक्ट। ये आपको मेडिकल शॉप पर ही मिलेंगे। अगर ये इतना ही नॉर्मल यूज़ करने वाला प्रोडक्ट होता तो आपको कोई भी नॉर्मल शॉप में मिल जाता जहाँ से आप अपने ब्यूटी या कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाता, बट ये नहीं मिलता है। दिस इज़ ओनली अवेलेबल एट मेडिकल स्टोर, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। और जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना क्यों शुरू किया था। सो इन 2011 आई वॉज सीवियरली इल। मुझे टाइफॉइड हुआ था, इसके बाद आई गॉट सीवियर हेयरफॉल इशू। एंड हेयरफॉल जो था वो इतना सीवियर था कि आई गॉट यू नो बाल्ड पैचेस एट दिस एरिया, दो इट वॉज नॉट दैट प्रोमिनेंट वाला बाल्ड पैचेस, बट ऑल द हेयर फ्रॉम दिस एरिया वॉज गॉन और बिल्कुल जो बोलते हैं ना स्कैल्प विजिबल हो रहा था। आई हैड लॉन्ग हेयर, लॉन्ग वेवी हेयर जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमिनस था। उस फीवर के बाद मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा थिन हो गए थे। सो आई वॉज रियली वरीड एंड आई जस्ट कंसल्टेड अ डॉक्टर, और उन्होंने मुझे कुछ वाइटमिन्स के साथ ये मिंट ऑफ सोल्यूशन रिकमेंड किया था। सो उनके हिसाब से मुझे इसको हमेशा यूज़ करना था फॉर लाइफ लॉन्ग। बट मैंने 1 ईयर तक ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैड नेवर थॉट दैट आई कैन यू नो ग्रो माई हेयर बैक, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंडीशन मेरे हेयर की ख़राब थी। बट दिस रियली वर्कड फॉर मी। सो आफ्टर 6 मंथ आई सॉ माई हेयर गेटिंग थिकर। सो छोटे छोटे से बेबी हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे इस सेक्शन में जहाँ पे बिल्कुल कम हो गए थे हेयर। सो आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने इसे 1 ईयर तक कंटिन्यू किया एंड उसके बाद आई टोल्ड माई डॉक्टर दैट आई डोंट वॉन्ट टू यूज इट रेगुलरली, और अगर मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी देन आई यूज इट। सो इसको कैसे क्या मतलब कैसे इसको स्टॉप करना है। सो माई डॉक्टर टोल्ड मी आई कैन स्टॉप इट एट वंस, और इसको बिल्कुल धीरे धीरे करके इसके डोज को कम करके उसके बाद इसको स्टॉप करना है। एंड आई जस्ट फॉलोड वॉट ही सेड। सो आई अगेन स्टार्टेड यूजिंग दिस वन इन 2014, बट दिस टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग इट बिट अर्लियर एज सून एज आई नोटिस दैट आई एम हैविंग सिवियर हेयर फॉल। सो मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड आई थिंक आई यूज दिस वन फॉर 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स में मेरी जो हेयरफॉल थी वो कम्प्लीटली
बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और फिर से जो छोटे छोटे न्यू हेयर थे वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे। एंड उसके बाद मैंने इसे अभी स्टार्ट किया यूज़ करना, लाइक 3 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हैं और इसमें बिल्कुल बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। सो दिस इज़ द लास्ट बॉटल आई एम यूजिंग और इसके बाद मैं धीरे धीरे इसे बंद कर दूंगी। एंड आई एम जस्ट अवॉइडिंग यूजिंग एनी हीटिंग टूल्स बिकॉज दैट विल डैमेज योर हेयर फर्दर। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम विद दिस पफी हेयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ इट वर्क्स, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू से सॉरी क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो गया है। आई जस्ट रिकॉर्ड विथ वन रिंग लाइट एंड नेचुरल लाइटिंग और अभी वेदर सडनली क्लाउडी हो गया है, सो आई एम नॉट गेटिंग एनफ लाइटिंग, बट देन आई थॉट इट्स नॉट अ मेकअप वीडियो सो इट्स टोटली फाइन, आई कैन गो विद इट। नाउ इसका जो रिजल्ट है वो टोटली डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी जल्दी शुरू करो। सपोज आपको हेयरफॉल इशू हो रहा है, आपने विद इन अ मंथ और टू इसको स्टार्ट कर लिया है जबकि आपके मतलब यू नो हेयर फॉलिकल्स अभी भी अलाइव हैं और वहाँ पे हेयर ग्रोथ हो सकती है, उस पीरियड में अगर आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ जल्दी होगी, हेयरफॉल बहुत जल्दी कम हो जाएगा और जो रीग्रोथ होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हेयर रीग्रोथ हो पाएंगे। बट इन केस आपने बहुत दिनों तक कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, आपके हेयरफॉल के बाद आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं दे गेट स्मॉलर, कुछ तो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। सो इन दैट केस इफ़ यू आर यूजिंग दिस वन तो मे बी रिजल्ट थोड़े से कम आए या रिजल्ट इतने अच्छे ना आए। सो येस, जब भी आप कोई हेयरफॉल की प्रॉब्लम से गुजरते हो तो मेक श्योर यू कंसल्ट विद अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। सो अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसको कैसे यूज़ करना होता है। सो एज पर माय डॉक्टर इसको 1 ml करके दिन में 2 बार यूज़ करना है, एक बार सुबह एक बार शाम, और इसको 1 ml ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है। जो कि आपकी प्रॉब्लम एरिया है, सपोज़ मेरी प्रॉब्लम एरिया यहाँ पर थी तो मैं यहीं पर लगाती थी और देन बहुत ही जेंटली अपने फिंगर से मैं इसे यूँ रब करती थी, लाइक यू हैव टू बी वेरी जेंटल। सेम चीज़ें इसके इंस्ट्रक्शंस पे भी लिखे हुए हैं कि आपको 2 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। नाउ सेकंड थिंग इज़ कि आपको इसे शैम्पू करने से कम 4 से 5 घंटा पहले यूज़ करना है, तो आप जब भी इसे लगा रहे हो मेक श्योर कि आप 4 से 5 घंटे तक अपने बालों को गीला नहीं कर रहे हो। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि आपको इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके नहीं लगाना है, आप इसे लगाते वक्त कोई हेयर ऑयल ना लगाएं, इसे किसी ऑयल के साथ या किसी अदर सीरम के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आपको मिक्स करके नहीं लगाना है। और जब आपने इसे लगा लिया उसके बाद भी तुरंत कुछ भी आपको प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं अपने स्कैल्प पे, जैसा कि मैंने बताया कि 4 से 5 घंटे तक आपको सर को भिगाना नहीं है, शैम्पू नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि उतना टाइम इसको लगता है आपकी स्कैल्प में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए, और इसको किसी भी ऑयल या किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके नहीं लगाना है। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, हालांकि जब आप कंसल्ट करोगे डॉक्टर को तो ही विल टेल यू एवरीथिंग, बट दैट इज़ समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, जो कि बहुत ही मिनिमल है और वो भी आपकी खुद की लापरवाही की वजह से हो सकता है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई हैव बिन यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस 2011 और मुझे अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं हुए हैं, बिकॉज आई हैव बिन फॉलोइंग ऑल द एडवाइस गिवन बाय माई डॉक्टर। मैं अपनी मर्जी से कुछ एड ऑन नहीं करती, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती, बिकॉज वेन इट कम्स टू हेयर आई जस्ट डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट। सो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट जो लोगों ने कंप्लेन करा है वो है कि अनवांटेड हेयर। तो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, वो जो अनवांटेड हेयर है वो मोस्टली सभी ने कहा था कि उनके फोरहेड पे या ये जो साइड वाले साइड बन होते हैं वहाँ पे अनवांटेड हेयर थे। सो जब आप स्कैल्प पे लगा रहे होते तो चांसेस बहुत होते हैं कि आपके कभी यहाँ पे फोरहेड पे लग जाएं, क्योंकि मेरे भी बहुत टाइम ऐसा होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको इमीडिएटली किसी कपड़े से साफ कर दें, अगर आप उसे उसी तरह से रहने देते हो तो दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर हेयर ग्रोथ। सेकेंड जो इसका कंप्लेंट मैंने देखा, मैक्सिमम लोगों ने जो कंप्लेंट करा है वो है कि जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट किया तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, जब भी आप कोई एक्ने ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो सबसे पहले वो आपके एक्ने को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बाद वो अपना रिजल्ट शो करता है, धीरे धीरे वो कम होता है। सो दैट्स द सेम केस विद दिस प्रोडक्ट, आप जब इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो जितने आपके हेयर फॉलिकल्स जो कि डैमेज हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं, और उसमें अगर आप एक दो हेयर रह गया होता है उस फॉलिकल्स में, सो इट विल जस्ट रिमूव दोज हेयर, जो भी डैमेज हेयर फॉलिकल्स हैं और वहाँ से वो हेयर को रिमूव करेगा एंड उसके बाद न्यू हेयर ग्रो होंगे। सो यस, यू माइट एक्सपीरियंस हेयर लॉस इनिशियली,
उसके बाद कुछ लोगों ने कंप्लेन करा था कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उन्हें माइल्ड हेडेक एंड थोड़ी सी डिजीनेस सी फील हो रही थी. तो टू बी ऑनेस्ट आई कांट कमेंट ऑन दैट क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ कभी ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ है. सो रियली आई एम नॉट समवन टू टॉक अबाउट दैट क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो माइट भी हो सकता है कभी कभी कोई प्रोडक्ट पे हम इनिशियली थोड़ा सा रिएक्ट कर जाते हैं. और कुछ लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन करी थी कि दिस मेक्स योर हेयर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ड्राई, विच आई कम्प्लीटली अग्री क्योंकि आप यू कैन सी माई हेयर इट्स वेरी ड्राई. सो क्योंकि हम इसके साथ कोई ऑयल मिक्स नहीं करते, हम इसके साथ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली आपके हेयर को ड्राई करता है. हालांकि मैं वीकली वंस ऑयल यूज़ करती हूँ और जिस दिन मैं ऑयल यूज़ करती हूँ आई स्किप दिस वन, मैं इसे यूज़ नहीं करती. बट स्टिल इट टेंड्स टू मेक योर हेयर वेरी ड्राई. But that can be taken care of once you recover from your hair loss. So once your hair fall problem is solved, you can just, you know, use some DIY hair mask or you can just use some deep conditioning hair mask and your hair will be all fine. So once I complete using this one, uske baad I'll just take care of the texture and I'll just start using my DIY mask and some other deep conditioning mask. So if you are interested to know my hair care routine, do let me know in the comment section. I would do a video on that, what product I use. और इसके बाद इस ट्रीटमेंट के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए जिससे कि आपके हेयर की टेक्स्चर इम्प्रूव हो जाएगी. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट. दिस डेफिनेटली वर्क. सो इफ यू आर समवन फेसिंग हेयर फॉल इशूज एंड यू डोंट वॉन्ट टू लूज ऑल योर हेयर and you just want to grow them back, then this is the product. You can definitely use this, but with your doctor's permission. किसी के बोलने पर भी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो हेयर केयर हो या स्किन केयर हो, ऐसे ही रैंडमली मत यूज़ कर लीजिए. नॉर्मल हेयर केयर स्किन केयर की प्रोडक्ट की बात कुछ और होती है, बट व्हेन इट्स मेडिकेटेड, आपको जब मेडिकल स्टोर से लेना है तो मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर. दैट वॉज इट अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इफ इट वॉज देन यू नो वॉट टू डू. डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी. एंड आई एम स्वेटिंग लाइक पिग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट बिकॉज इट्स ऑल क्लाउडी. And I just want to enjoy the weather. So yeah, I'll see you with my next video. Till then, take care. Bye.